आत्मा भावैर्बहु सुभक्तितः सा निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि नृत्यतां श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर्भृशम उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः। जो उपासक आनंद में भर करके इस विचार से कि जो मैं नृत्य कर रहा हूं मेरे प्रियतम प्रसन्न हो, प्रभु के विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यो नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा भावैर बहु शुभक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि। सैकड़ों मनवंतर में जो हजारों जन्म हुए उन सब जन्मों के पाप नष्ट होते हैं प्रभु के सामने नृत्य करना। नृत्यताम श्रीपते अग्रे तालिका वादनैर्भृशम। ताली बजाते हुए प्रभु के सामने आप नाच रहे तो आपके शरीर में जो पाप छुपे हुए सब नष्ट हो, सब उड़ रहे। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे जो ताली बजाते हुए प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो शरीर स्थाह सर्वे पातक पक्षिणः, पाप रूपी पक्षी शरीर के स्थान से हट करके निकल जाते हैं। प्रभु जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं, उनको रिझाने के लिए मैं नृत्य कर रहा हूं, गान कर रहा हूं। पर गान का नृत्य का भाव किसी और के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत कला प्रवृत्ति से नाच करके अंदर भावे कि दूसरे रीझे, बस बात बदल गई, अब वो उपासना नहीं रही। दूसरे की दृष्टि में आना कि मैं बहुत बढ़िया, ये अपने भाव हैं, अब उपासना नहीं रही, अब केवल नाटक है। लेकिन वही नृत्य यदि प्रभु को केवल निमित्त बना, प्रभु को केवल प्रभु को लक्ष्य बना, बस वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। संसार में सब नाच ही रहे हैं, माया नचा रही है, परंतु वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं। प्रेम का पंथ निराला है। जब तक हमारे हृदय में किसी और की स्मृति है, किसी और के रिझाने का भाव, तब तक प्रेम का स्पर्श नहीं होता। एक हड़िया सराय है, प्रयाग से 6 कोस की दूरी पर। वहां श्री ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करके नारायण दास जी नाम के एक संत थे। वो जब श्रृंगार कर लेते तो बहुत जोर से फिर नाचते थे, घंटों नाचते श्री ठाकुर जी के आगे। उनका नृत्य ऐसा होता था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक होता है बनावटी नृत्य और एक होता है भावात्मक नृत्य, जिसकी दृष्टि में के सामने प्रभु हैं, उसमें फिर दिव्यता आ जाती है। जो इनके नृत्य को देखे वो लट्टू हो जाए, आसक्त हो जाए। उनकी भावभंगी आंखों से आंसू झर रहे, रोमांच हो रहा है, सामने प्रभु बैठे नृत्य कर रहे। तो वहां का शासक मीर था, उसने जब सुना कि हड़िया सराय में कोई संत आए हैं, बहुत विचित्र नृत्य करते हैं और बड़ी महिमा है, सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सराय होता है जहां बहुतायत हो, जैसे वृंदावन को संतों की सराय कहा गया है, यहाँ संत गली गली संत है। हड़िया सराय में म्लेच्छों की बहुतायत थी। संतों की महान महिमामय वृत्ति यही होती है कि जो अभक्त हैं वो भी उनको देखकर भक्त बन जाते हैं। वहां ठाकुर सेवा विस्तार करके नृत्य किया तो वहां के म्लेच्छ प्रभावित हो गए और मीर साहब को सूचना दी, जो वहां के राजा थे। उन्होंने भेजा कि चलो हमारे सामने नृत्य करो आकर के। अब ये भारी समस्या हो तो केवल प्रभु के सामने नाचते। हरि के आगे नृत्य करे हिये धरे यही धरे, देश देशनी में जहां भक्त भीर है। हरियासराय मध्य जाय के निवास लियो, लियो सुनि नाम सोमलेक्ष जाति मीर है। बोली कै पठाए महाजन हरिजन सबे, आयो है सदन गुनी ल्याओ चाह पीर है। आनी के सुनाई भई बड़ी कठिनाई, अब कीजे जोई भाई वो निपट अधीर है। नारायण दास जी केवल अपने प्रभु के लिए नाचते थे, संत थे, पर उनके जब नृत्य की महिमा वो मीर राजा ने सुनी, उन्होंने आदेश किया कि हाँ जितने भी देश के गुणी हैं सब बुलाए जाते हैं, तुम नृत्य के गुणी हो, आओ और हमारे दरबार में हमको नृत्य दिखाओ। ये बड़ी समस्या में फंस गए कि राजा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो ये भक्तों को और सताएगा भी, अगर बात मानते तो हमारा नियम टूटता है, क्योंकि हम केवल प्रभु के लिए नृत्य करते हैं, किसी और के लिए नहीं। ऐसा होता है, पहले बादशाह लोग, राजा लोग संतों को अपने दरबार में बुलाते थे उनकी सिद्धियां देखने के लिए। गोस्वामी जी को भी बुलाया था, तुलसीदास जी को अकबर सम्राट ने। पहला परिचय था, सुना तो आदेश भेजा। संतों को लगता था कि अगर नहीं जाएंगे तो ये संत द्रोह ना पैदा कर दे, संतों को मारना, संतों को सताना, इसलिए अगर हमारे जाने से राजी हो जाए तो चलो, संतों की भावना पुष्ट हो जाए, इसलिए महापुरुष जन जाते तो कोई डरते नहीं थे। गए, ना कोई प्रणाम ना कोई नमस्कार, जो भगवान के भक्त होते हैं सब बैठा लो, थोड़ा भक्त हृदय भी, चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध संत हो हिंदू धर्म के, चमत्कार दिखाओ। हम कहा हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं, हम तो राम 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 जपते, जो प्रभु दे देते हैं पा लेते हैं, हमें तो कोई चमत्कार। बोले हमने सुना है तुम सिद्ध पुरुष हो, चमत्कार दिखाओ, हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। तो उनका वास्तविक मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है, और वास्तविक जो भक्त है उनके, उनका हमारी आज्ञा का उल्लंघन का मतलब समझते हो, तो हमें आता ही नहीं तो हम क्या आपको दिखाएं, हम तो बस राम 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 इतने जानते हैं। बोले नहीं मान, जाओ इनको जेल में बंद करो, खाना पीना बंद कर दो, इनका बंद कर, जेल में बंद। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा कि हमें जेल वेल से तो कोई परेशानी है नहीं, चाहे आप गंगा किनारे रखो चाहे जेल में रखो, तो हमें तो सियाराम सियाराम ही कहना है, पर आप अपनी इज्जत देख लियो। क्या इज्जत, आप सियाराम के दास, हम सियाराम के दास, बादशाह में जेल में बंद करवा दिया आपने। वही हनुमान बाण की रचना, हनु हनु हनुमंत अटीले बैरही मार वज्र के की, करोड़ों अरबों बानर प्रकट हो गया, यहाँ एक बंदर नहीं दिखाया, अरबों बानर, विध्वंस मचा दिया दिल्ली में, बादशाह के महल में हजारों बार। जितने सैनिक अंग रक्षक उठा, उनको कोई जरूरत है बंदूक की क्या, अब सैनिक लिए खड़े, पीछे से आग चढ़े, मुंह भरा गिरा, एक से एक बलवान बाण, हाहाकार मच गया। मिनट भर में सूचना गई कि उस फकीर को बाहर निकालो, विध्वंस हो जाएगी पूरी दिल्ली। सामने जाकर के हाथ जोड़े प्रणाम करके, अकबर अरे आप ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमें पता ही नहीं कि चमत्कार है, हम कोई चमत्कार है, हम तो बस राम राम राम। अगर संतों से कोई पूछे कि तुम्हारा चमत्कार क्या, तो क्या जानेंगे, अब राधा राधा कहते हैं, उनकी झूठन पाके जी रहे, अब क्या चमत्कार है, वो करे जो तुम्हारे ऊपर करे, हमें क्या। वो कोई कहते हैं हमने स्वप्न में देखा, आप ये, हम क्या जाने, मालिक जाने। वो क्या तुम्हें स्वप्न में समझा रहे हो, क्या जागृत में समझा रहे। नारायण दास जी के सामने बड़ी समस्या हो गई कि राजा की आज्ञा, और वो भी म्लेच्छ धर्मावलंबी, अगर हम नहीं जाते तो संतों के प्रति अश्रद्धा करके कहीं अनर्थ न कर दे, और अगर जाते तो मेरे जीवन भर की निष्ठा में पानी फिर जाएगा। जब उपासक कभी ऐसी समस्या में पड़ता है तो फिर सीधे भगवान से सलाह लेता है। नारायण दास जी ने भगवान से कहा कि अभी आप ही उपाय बताओ, क्योंकि आपको मैं वहां ले नहीं जा सकता। ये कि प्रभु का सिंहासन रखकर प्रभु को विराजमान कर, उनको ना ऐसी सभा में कैसे ले जाए, जो विधर्मी हैं उनकी सभा में ठाकुर सेवा विस्तार करके कैसे आपको नहीं ले जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं भक्तजन अपनी सेवा से। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप हमें दंड दे दो, आप हमें जो चाहो, हमारे ठाकुर को हम देखने भी नहीं देंगे तुम्हें, इतना प्यार होता। कोकिल साईं जी सबको अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। पता नहीं कौन क्या मांग ले ठाकुर जी से, मेरे ठाकुर जी को परेशानी होगी, इसलिए चुने हुए भक्त को ही दर्शन कराते थे, जो कोई मांगे ना। और कहते थे कुछ मांगना नहीं, हम आराम से खवा पिया के बैठा लाए, आप कुछ मांगोगे उनको परेशान। अब कितना कोमल भाव, हमारे प्रभु से मांगना भी नहीं, उनको परेशान नहीं कर रहा है, हम उनको सुख देने के लिए है ना, हम उनको दुख देने के लिए थोड़ी। भक्तों का बहुत कोमल स्वभाव होता है, वो ये भूल जाते हैं कि भगवान है। वो अपने प्राणों से भी अधिक उनको प्यार करने लगते हैं। जैसे यहाँ अम्लेच्छों का आक्रमण हुआ तो बिहारी जी को लेकर बिहार बनाद में छुपा के, राधा वल्लभ जी को काम बनाद में, श्रीनाथ जी को ऐसे। ये थोड़ी कि भगवान है आप अपनी रक्षा करेंगे और हमारी भी होंगे दुनिया के लिए भगवान, हमारे तो लाडले लाल हैं, प्राण हमारे पहले जाएंगे फिर कोई ठाकुर को छू सकता है। तो ठाकुर जी से कहा आपको तो वहां ले नहीं जाएंगे, अब हम उनके सामने नृत्य कैसे करें। मानो ठाकुर जी ने इशारे में बता दिया कि तुलसी जी मेरा ही स्वरूप है, तुम बड़ी माला वैसे ही तुलसी की डालते हो, तो नृत्य में बड़ी माला डाल के कैसे होगा, तो उसको उतार के रखने के बहाने सिंहासन में रख देना, और मेरा ही स्वरूप तुलसी जी है, फिर आप नृत्य करना। हाँ, बच गए, हमारी निष्ठा भी बच जाएगी और उसकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। तो उन्होंने गए सभा में और कहा नृत्य करना है, ये हम माला धारण करे रहते हैं, तो नृत्य में माला बड़ी है तो पास में ही एक सिंहासन लगाओ, वहां हम माला रखेंगे, क्योंकि हमारी ये पूज्य माला है तो हम आदर से रखें। किसी को समझने भी नहीं दिया, और राजा के समीप ही आसन और उस पर तुलसी जी की माला विराजमान की, और भाव से देखा कि मेरे श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी तुलसी जी में विराजमान है, और बस नृत्य शुरू किया। ऐसा गान और ऐसा नृत्य शुरू किया, सब सभा आश्चर्यचकित, मंत्र मुग्ध, सबका मन शांत। ये भक्ति का प्रभाव होता है, जिसके हृदय में भजन होता है वो बोले, नाचे, गाए, या कैसी भी परिस्थिति हो आप, वो सब के मन को समाहित कर लेगा, क्योंकि सब में के मन को समाहित करने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान में। जैसे विवेकानंद जी जब गए थे ना, तो यही चमत्कार दिखाया, सब पूरे विदेशियों के मन को आकर्षित करके, शून्य में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब आश्चर्यचकित हो गए, लट्टू हो गए। ऐसा चमत्कार, तदात्म होकर जे ही तदात्म भाव, जैसे श्री ध्रुव जी ने तदात्म होकर अपनी वायु रोकी, सबकी रुक गई। ऐसे तदात्म होकर मन को, सबका मन शांत, सब शून्याकार, किसी को शुद्ध नहीं मैं कौन हूं कहा हूं। यह आश्चर्यचकित प्रभाव, नृत्य करते पूरी सभा में राजा तक आनंद मगन, पर नृत्य करते करते ललित त्रिभंगी भाव में ऐसे हुए, प्राण छूट गए। सामने दुनिया को दिखाई दे रहा तुलसी की माला, वहां ललित त्रिभंगी लालजू, और उन्हीं का वैसे रूप धारण ललित त्रिभंगी हुए और प्राण समर्पित कर दिए। उपासक को कोई भी अपनी भक्ति की चेष्टा नाटक में नहीं लानी चाहिए, दूसरे के दिखावे के लिए नहीं लानी चाहिए। जीवन में श्वास समाप्त होते होते भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए। ये महापुरुषों के वचन, मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं मतलब है, हमारी श्वास अंतिम होते होते हमारे सामने आप आना चाहिए। और ये आप कब कह सकते हो, जैसे गोपी जन प्रभु से कहती है, अच्छा आप कहते हो वापस चले जाए, जाके करें क्या, मन तो आपने चुरा लिया है, मेरा एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अभी देख लेंगे कि हम सब के सब राख की ढेर तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की विराग्नि मेरे हृदय में जल रही, केवल आपके कारण ही उसे रोके हुए, अगर छोड़ दिया तो हम सब भस्म हो जाएंगे आपके सामने। आपके लिए तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और अब आप कह रहे हो जाओ, ऐसा नहीं। अगर आपने ऐसा कहा अभी आपके सामने हम सब प्राण त्याग देंगे। और वैसे भी मन तो आपने ले लिया, मन के बिना तन करेगा क्या। ये ये कि हमें इसी जन्म में दर्शन चाहिए, उसके लिए मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर कर जप करो तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। बड़े कृपालु हैं, ये छा जाते हैं, नेत्रों में छा जाते हैं, हृदय में छा जाते हैं। ये तोते की तरह परमार्थ रटने वाली वृत्ति को हटाओ, जो जाना है उसे अपने अनुभव में उतारो। यदि हमारी गुरु प्रदत्त साधना में आदर बुद्धि होगी तो अपने आप आपकी स्थिति बदलती चली जाएगी। देखो गुरु परंपरा से इसीलिए सब महात्मा जन सिद्ध हुए, तो जुड़े। कोई कहीं भी हो, प्रगट में नहीं नाम लेगा तो अंतर से किसी न किसी महापुरुष को गुरु बनाए, क्योंकि उसकी कृपा हमें घसीटती है। जैसे अपने लोग हैं ना, तो लाडली जू, हित सजनी जू और परंपरागत कितने प्रेम सिद्ध महापुरुष हुए, सहचरी भावापन। अब हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के मार्ग में हैं, तो उन सब की कृपा हम पर होगी, तभी हम वहां पहुंच पाएंगे। नहीं तो जहां प्यारोडुम क्षमते नयच्छु सुकादी नाम त्वय ध्यानगम, वहां हम पहुंचे, हमारी ताकत है, भला हमारी सामर्थ्य है कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं, जहां संभाव्यो विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देव। तो हम पहुंचने का जो बार बार उत्साह दिखाते हैं वो अपने गुरुजनों के बल से दिखाते हैं, जो परंपरागत सिद्ध महापुरुष हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दुलार से हमें लाडली जू की प्राप्ति हो जाएगी। हमने जहां निश्चय किया, ये भी खास बात, जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ करो। मुझे इसी जन्म में जीते जी श्री जी से मिलना है, देख लो, ये सोचना है, निश्चय करना है। मुझे जीते जी, हमने निश्चय कर लिया कि इसी जन्म में मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु का साक्षात्कार करना है, तो अब किसी और बात का आदर मत देना। यहां हम लोग ऐसे चलते हैं कि भगवत प्राप्ति भी 99 और बातें, उनमें से एक बात भगवत प्राप्ति भी। ऐसे नहीं होता। इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना, तो फिर और किसी बात का आदर नहीं होगा। एक ही सर्व महान बात केवल हृदय में रहनी, मुझे भगवत साक्षात्कार करना। एक अयोध्या में सिद्ध संत भगवान थे, तो एक भागवत प्रवक्ता जी ने उनसे कहा कि मैंने भागवत सीखा है, आपको सुनाना चाहते हैं। उनका जैसी श्रीहरि की इच्छा, तो उन्होंने सुनाया भागवत 7 दिन आके। तो कहा भाई कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए भागवताचार्य को, तो संत भगवान ने कहा जो तुम्हारे हृदय में हो वो तुम मांग लो। तो उनका भगवान हमारे संतान नहीं होती, अगर एक बेटा हो जाए, बोले जाओ राम जी की कृपा से हो जाएगा। और तो भगवान धन की भी समस्या है, जाओ ये भी हो जाएगा। चुप हो गए संत भगवान, बोले प्रभु भगवान की भक्ति भी दे दीजिए, भगवान की भक्ति दे दी। जब कहा पहले नंबर में बेटा, फिर दूसरे, फिर तीसरे नंबर में भगवान भक्ति, ऐसे थोड़ी होता है। यदि तुम पहले बोलते कि भगवान की भक्ति और बाद में ये बोलते तो चल जाता, लेकिन तुमने पहले पुत्र और धन मांगा, अब तुम भगवान की भक्ति के अधिकार को खो चुके हो। तो जब हम ये भाव हृदय में रखते हैं कि मुझे प्रियाजू की प्राप्ति करनी है, तो फिर हमें किसी अन्य भाव, अन्य बात का आदर हृदय में नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात झूठी मानी जाएगी, तभी हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। हृदय में देखिए, प्रभु की जगह केवल प्रभु। और अभी हमारे हृदय की दशा क्या है अपने लोगों की? प्रभु बहुत छोटी जगह में है और विषय और शरीर संबंध बहुत बड़ी जगह में है। अनुकूल नहीं पड़ा तो गुरु छूट गए, मंत्र छूट गई, उपासना छूट गई, वही परिवार, वही भोग सामग्री, वही रुपया पैसा प्रदान हो गया। ऐसा नहीं, प्रभु के समान केवल प्रभु हैं, तो प्रभु की जगह में केवल प्रभु हैं, दूसरा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान नहीं होना चाहिए उस जगह में। तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभु की जगह में बहुत कुछ रखे हुए हैं। प्रभु तो मिल ही जाएंगे ना, घर की बात है। भोग बड़ा दुर्लभ है, भोजन बड़ा दुर्लभ है। परान्नम दुर्लभम लोके देहोयम पुला पुला। शरीर तो बार बार मिलता है, निमंत्रण थोड़ी बार बार मिलता है। दबा के पाओ, खूब सामने भोग उपस्थित हो गया। भगवान तो कल फिर क्षमा मांग के भजन कर लेंगे, मिल ही जाएंगे, लेकिन आज ये भोग जो मिल रहा है ये पता नहीं भाग्य में मिले कि ना मिले। मतलब भगवान से भी बढ़कर भोग, भगवान से भी बढ़कर रुपया पैसा व्यक्ति वस्तु महत्व ये नहीं। अपरसीम कृपा का अधिकारी विश्वास कीजिए वही होता है जो प्रभु की जगह केवल प्रभु को रखता है। हृदय में एक ऐसी जगह बनाओ जहां प्रभु विराजमान करो और उनके समान कोई नहीं, कोई नहीं, कोई लाभ, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई पद नहीं। बहुत जल्दी आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रभु कैसे आपको कृपा करके मिल रहे हैं। जब आपकी आराध्य देव का नाम स्मरण करते ही आंसू आने लगे तो जान लेना मिलने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। नाटक वाले नहीं होने चाहिए, कुछ नाटक के भी होते हैं कि मतलब बात कुछ और चल रही है अंदर, ऐसा होता है। एक बार सत्संग में बताया, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर रहे थे तो एक सामने व्यक्ति खड़ा आंसू गिरा रहा था, ऐसे बगल में था, देखा तो बार बार उसके चरण पड़ने का मन हुआ कि हमारे प्रभु की रूप माधुरी को देखकर कैसा रो रहा है। काफी एकदम भाव आया कि कितने अवया हम बाबा जी होकर प्रभु को सूखी आंखों से देख रहे हैं और ये देखो गृहस्थ वेश में है और प्रभु को देखकर कैसे अश्रुपात कर, धिक्कार हमारे जीवन को, इनके जैसा हमारे हृदय में प्रेम। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो विनय शुरू किया, आपने बचा लिया पत्नी को, प्रभु अगर आप ना बचाते तो मैं आप बिल्कुल जीता ले। अरे पत्नी के लिए रो रहा, पत्नी के लिए रो रहा है, हम समझ रहे थे राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी में डूब के रो रहा है। तो ऐसा भी होता है जैसे रोने का कोई प्रसंग भागवतिक चल रहा है और वो पिटा पिटाया संसार का है और वो चिल्ला के रोने लगा भावावेश में रो रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं। बात कुछ अंदर से और चल रही है और प्रसंग चल रहा है द्रवित होने वाला, तो वो ऐसा प्रभु के लिए रोना है। पर अगर झूठे से भी रोए तो भगवान कृपा कर देते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में तो अगल बगल वाले श्री कृष्ण रूप माधुरी में रो रहे थे, तो एक महंत जी थे, वो देखते कि सब रो रहे हम रो नहीं रहे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि संत होके नहीं रोते। तो ऐसे लाल मिर्च जो है एक कोने में अचला के ऐसे बांध ली थी ऐसे, और जहां वो रोने वाला प्रसंग आता ना ऐसे, अब वो लाल मिर्च उसमें तो जब जाती तो आंसू निकलने लगते और बस ऐसे ऐसे करते। तो ऐसे गदाधर भट्ट जी ने देखा कि उनके तो बराबर आंसू, अब लाल मिर्च काफी देर आंसू गिराएगी, बराबर आंसू चल रहे, तो उन्होंने कहा कि बहुत कृपा है इन संत के ऊपर। तो एक दिन सत्संग मतलब कथा के बाद उतरे, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा हम आपसे एकांत बैठकर बातें करना, आप तो महान भगत हो। आसपास देखा जो चरणों में गिरे हुए, महाराज ये लाल मिर्च का चमत्कार। बोले एक को मूल आंसू प्रभु के लिए नहीं निकलते, इसलिए गदाधर भट्टी जी वो तो भगवत स्वरूप भाव में, तो उनका प्रभु के रोने के लिए आप आंखों में लाल मिर्च लगाते हैं, कितना प्यार प्रभु से है, आप प्रभु के लिए रोना चाहते हैं। और ऐसे हृदय से भरकर जे ही लगाया तो असली प्रेम जागृत हो। झूठा खेले साचा होए, अगर प्रभु के लिए झूठे भी रोया जाए ना तो सच्ची में रोना आने लगेगा धीरे धीरे, झूठे से भी भक्ति। पर इतना बात समझ लो कि जब तक हृदय से रोना नहीं आएगा तब तक साक्षात्कार नहीं, ये पक्की। बिन रोए किन पाइया प्रेम पे व्याकुलता पूर्वक जब हृदय में ऐसा होता अब जिया नहीं जा रहा, उसी समय भगवत झांकी सामने होती है, प्रभु की मंद मंद मुस्क। और झांकी नहीं होती, संभाषण होता है, संभाषण ही नहीं होता, स्पर्श होता है, स्पर्श ही नहीं होता, वो साथ खेलने लगता है, वो प्रभुमय हो जाता है। तो आपको ये जो अनुभव करने की वृत्ति बताई कि आप विचारों को नष्ट कीजिए भगवत भजन के बल से, और ये निश्चय कीजिए कि मरने के पहले ही मुझे भगवत साक्षात्कार हो। और जो भी आप भक्ति करते हैं उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, एकमात्र केवल प्रभु के स्थान पर प्रभु ही होने चाहिए। देखो आपकी इस बात की कसौटी होगी, आप जिसे वैराग्य भाव से या गृहस्थ भाव से चल रहे हैं तो आपने प्रभु के लिए केवल प्रभु का स्थान दिया है, वहाँ न माता पिता भाई बंधु कोई नहीं। एक सच्ची बात समझ लीजिए, गुरु और प्रभु दो नहीं है, कहीं भी चर्चा शास्त्रों में की गई, वो क्या प्रभु प्रभु ही है। गुरु के मिलने के पहले भी प्रभु प्यार कर रहे थे। अब वो अपने स्वरूप का अनुभव कराने के लिए मूर्तिमान रूप धारण किया है। वो क्या, वो हरि ही है, दूसरा कोई नहीं है। हरि के सिवा कोई गुरु नहीं हो सकता, गुरु ही हरि है। हरि ही गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु कृपा। तो हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हरि की जगह में केवल हरि ही है, दूसरा कोई नहीं। उनके हम लोग बहुत निम्न नीच स्वभाव के जन हैं। छोटे से विषय को देखा प्रभु को भूल गए, मतलब प्रभु से बड़ा वो विषय हो गया। किसी व्यक्ति मिला प्रभु को भूल गए, मतलब व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु भूल तो उसी को जाएंगे ना जो कम आनंद वाली चीज होगी। अधिक आनंद वाली चीज हमारी स्मृति को खींच लेगी। तो यदि हमारी सानिध्य की वृत्ति में कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई पद, कोई घटना आई और हम प्रभु को भूल गए तो वो प्रभु से बढ़कर हो गई, ये निंदनीय बात हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। प्रभु माने तो स्वामी, सबसे प्रिय स्थान केवल, तो कभी स्मरण नहीं छूटेगा। हम लोग प्रभु को बहुत छोटे स्थान पर रखे हुए हैं, मतलब इतने छोटे स्थान पर, एक रसगुल्ला से भी छोटे स्थान पर, एक रसगुल्ला से भी छोटे। हाँ, भूल गए राधा, मतलब रसगुल्ला का स्वाद राधा नाम सुधा रसम से ज्यादा हो गया। छोटी सी घटना, इसे आप अंदर से देखो, ये चिंतन का विषय। छोटी सी घटना, छोटा सा दृश्य, छोटा सा सुख हमें प्रभु का विस्मरण करा देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का स्थान बहुत कमजोर हमारे हृदय में। जिस दिन ऐसा होगा, शास्त्र में वर्णन है, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना हो, वही महाभागवत है। महाप्रलय की दशा हो तो भी भगवान का विस्मरण नहीं, महाआनंद की दशा हो तो भी भगवान का विस्मरण नहीं। तो हमें इसी जन्म में प्यारे जू का साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि जैसे वायु कहीं भी हो वो आकाश में, आकाश माने अवकाश, अवकाश माने शब्द, यहाँ आकाश है, आकाश का गुण शब्द है। यहाँ पुलाई है, बिना पुलाई की आवाज नहीं आ सकती, और जहां पुलाई है वहां वायु है। सब बंद कर दो, अगर वायु ना हो तो सब मर जाए, तो वायु है। ऐसे ही बिना प्रभु के हम है ही नहीं, हमारी सत्ता ही प्रभु जो है यार, उसको प्राप्त करने में क्या दिक्कत है? जो नहीं है उसमें तुम आसक्त हो, यही दिक्कत है। ये शरीर नहीं है, दिखाई देता है पर नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य की बात, ये कल नहीं था, ये कल नहीं रहेगा, अभी केवल दिखाई दे, खोजने पर भी नहीं मिलेगा, पूरी सृष्टि में नहीं मिलेगा। और ये माया के प्रभाव के कारण सामने सत्य भास रहा है नहीं। प्रभु थे, प्रभु हैं, जो इसमें प्रभु हैं, वो रहेंगे, वही थे। अब इस सत्य बात को कम से कम आप लोग तो समझ लें। जो अपने लोग परमार्थ के प्रति संसार में रचे पचे हैं, उनकी बात जाने दो, आप लोग तो सत्संग सुनते हैं। एकमात्र हम प्रभु में हैं। जैसे हम कहीं भी चले, भूमि ही आश्रय होती है, ऐसे हमारा एक एक श्वास, एक एक सेकंड प्रभु की गोद में व्यतीत हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे, प्रभु की गोद में हम बैठे हैं। हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से प्रभु बैठे हैं, विराट रूप से हम उन्हीं में खेल रहे हैं, उन्हीं में जी रहे हैं, उन्हीं में श्वास ले रहे हैं। अरे भाई, उनकी प्राप्ति के लिए केवल उनका तुम स्थान दृढ़ करो हृदय में। हमारी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा विघ्न है कि भगवान को बहुत छोटी जगह में रखे, बहुत छोटी जगह में। किसी ने कह दे पाखंडी है, भूल गए भगवान को और उसका चिंतन होने। देख लेना आप, वो सब नाटक ही चल रहा है, बस कान में भर बात पड़े, हमको तुम नाटक समझ रहे हो, हम ऐसे, हम भूल गए भगवान। एक शब्द भुला सकता है प्रभु को। कितने छोटे हम प्रभु को मान रहे हैं अपने अपने हृदय में। ऐसे महान आनंद दाता को क्या स्थान दिए हुए। एक कोई मुस्कुरा दे तो खत्म। 10 साल से माला चला रहे हैं प्रभु के लिए, उनकी मुस्कुराहट में सेकंड भर मन नहीं फंसा। और ऐसे कोई मुस्कुराए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, माला टांग दोगे ऐसे। बड़ा विचित्र खेल है। देखो माया का आकर्षण कितना विचित्र खेल है। हम प्रभु को कितना छोटा, कितना सस्ता। 100 रुपया निकाले, 100 का नोट, भगवान को भूल गए। इन बातों को देखो। ये जब तक कमियां दूर नहीं करोगे तब तक प्रभु के लिए स्थान आप विशिष्ट नहीं दे रहे। और इतने विशिष्ट प्रभु को विशिष्ट स्थान देने वाले को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे गोपी जन कह रहे यार उद्धव तुम्हारा उपदेश काम रखे, हमारे हृदय में ठौर ही नहीं रहेगी, ना ही न रहो ही हमारा ठौर। अब हृदय में तो कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही हमें ना जान परे कान है कि प्राण है। अपने जीवन को प्रभु से भर लो, प्रभु के लिए ही संकल्प बने, प्रभु के लिए ही निश्चय हो, प्रभु का ही चिंतन हो, प्रभु की दासत्व हो। हमारे अंदर दासता का भाव विषयों की तरफ है। कोई भी विषय हमें गुलाम बना करके रौंद रहा है, जब तक प्रभु की दासता नहीं आएगी तब तक ये रौंदते रहेंगे, चाहे जितना भेष बदल लो, चाहे जो देश बदल लो। पक्का समझ लेना, अनुभव की बात कह रहे हैं। इनकी दासता में सामर्थ्य है कि विषय दासता से मुक्त होने में कोई श्रम नहीं लगेगा। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन प्राण रहे। श्री राधा वल्लभ लाल।